छठी मैया की जय हो। जय हो छठी मैया की। बताओ जरा छठी पूजा क्यों मनाए जाते हैं? ये अनादिकाल से ये व्रत चला आ रहा है, आज का नहीं है। महाभारत में, रामायण में, सब में इसका प्रसंग है। और ये प्रकृति पूजा है। ये हम जो पांच तत्व है जिससे जीवन चलता है, चिति जल पावक गगन समीरा, इन पांचों तत्वों की आराधना होती है। देखिए ये मिट्टी है, जल में खड़ा होकर रख देते हैं, निर्जला रहते हैं। और ये साधना है, निर्जला रहना यानी साधना है। षष्ठी माता बच्चों की माता है और सूर्य जगत के तेज हैं, तो दोनों के बिना काम नहीं चलेगा, इसलिए ये प्रकृति पूजा होती है। और कुछ पूछना है आपको? और ये चार दिन में जो छठ पूजा होता है, छठ पूजा तो उसमें क्या क्या परंपराएं होते हैं बताएं? क्या चार दिन जो शुरू वाले दिन? हाँ, चार दिन में पहला दिन नहाए खाए का होता है, उसमें शुद्धि होती है, उसमें हम अपने शरीर को मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध करते हैं। और दूसरे दिन खरना होता है। पहले दिन हम लौकी की सब्जी दाल चावल खाते हैं, दूसरे दिन खरना है। दिन भर निराहार रह के शाम को गाय के दूध में साठी के चावल का खीर बनता है और सिर पे कासना करते हैं, एक टाइम एक ही पट्टे पे बैठ के खाते हैं। उसके बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हुआ है। शाम को सूर्यास्त का अर्घ है। ये विश्व में संदेश है कि लोग उगते सूरज की आराधना करते हैं और हम डूबते सूरज की आराधना करते हैं, यानी जो डूबेगा वही कल उगेगा। यानी हाँ, ये सृष्टि का निर्माण तत्व है कि विनाश के बाद सृजन, यानी जो डूब रहा है उसका भी सहारा, तब वो उगेगा। तो हम पहले डूबते को मनाते हैं ताकि वो बहुत तेज के साथ दूसरे दिन उदित हो। और फिर हम अभी उदित सूर्य को अर्घ दिए हैं। अब तो माहौल बिल्कुल त्योहार का है, रौनक है, सब प्रसाद वितरण हो रहा है। आप भी आइए, प्रसाद खाइए। जय हो छठी मैया। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मिशन जगत चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं प्रदीप परमंडल, आज छठ पूजा के चौथे दिन ये देखिए दोस्त आया हूँ। ये एक छठ पूजा पर्व में ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे घाट में यहाँ पे उदय हुए सूरज को यहाँ पे अर्घ दिया जाएगा दोस्तों। तो हम आपको पूरा दिखाते हैं कि छठ पूजा में क्या क्या चल रहा है यहाँ पे दोस्तों। आज बहुत मनोरम दृश्य है दोस्तों, ये आज चौथा दिन है। कल शाम को सूरज को, अस्ताचल सूरज को अर्घ दिया गया था, आज यहाँ पे उदय सूरज को अर्घ दिया जाएगा दोस्तों। यहाँ पे थोड़ी देर बाद जैसे सूर्योदय होगा, ये देखिए इस तो आपको पूरा दिखाते हैं सकते हैं, मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ। ये देखिए, देखिए ये माता, ये देखिए ये गन्ने, ये आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे पूजा किया जा रहा है। ये सब पूजा का आसन लेके आप दिखा रहा हूँ, लेकिन देख सकते हैं। भैया नमस्कार, बताएंगे छठ पूजा के बारे में थोड़ा बताएं लीजिए। माता जी के पास बैठ जाए, बताए भैया माता जी को दे दो आप। हाँ, बोले छठी भैया की जय। देखिए छठ पर्व पूर्वांचल और भोजपुरी समाज का सबसे बड़ा पर्व है। ये ना केवल जेंडर इक्वलिटी के लिए सबसे एक महान पर्व है, अभी तो पौराणिक काल में भी इसकी हमें जानकारी मिलती है। माता कुंती द्वारा सर्वप्रथम सूर्य की आराधना करके कर्ण को प्राप्ति की गई थी, किंतु अविवाहित होने के नाते उनने समाज की चिंता करते हुए कर्ण को डलिया में बहा दिया था, जिस कारणवश ये पर्व प्राचीन संस्कृति से मनाया जा रहा है। ये अमूमन छठ पूजा तो माता सीता ने मुंगेर से, मतलब गंगा जी के किनारे पहले पर पूजा की थी, है ना? वही परंपरा अभी भी चली आ रही है ना अभी तक? हाँ, सीता जी का भी है और मायने कुंती जी का भी है, क्योंकि उनने सबसे पहले सूर्य की आराधना की थी तो उनको कर्ण प्राप्त हुआ। हाँ हाँ हाँ,
थैंक यू भैया। और ये सर जो मेन है, ये जो मेन है ये पुत्री प्राप्ति के लिए, ये पुत्री प्राप्ति के लिए, कन्या पे सूर्य भगवान की, भगवान की मैं सूर्य भगवान के सूर्योदय के टाइम में उसको अर्घ दिया जाएगा। ठीक ठीक है। कल था डूबते हुए सूर्य का, आज उगते हुए सूर्य का, सूरज का होगा अर्घ दिया जाएगा। तो दोस्तों हाँ, आप लोगों ने भी सुना, माता जी आप भी कुछ बताएं आपके। हाँ लीजिए लीजिए। क्या बोलूं इसके बारे में भैया, हम लोग तो छठ बड़ा पर्व हम से मानते हैं। हम तो 40 साल हो गए मेरे को करते हुए। हाँ अभी 40 साल से मैं यहाँ आ रही हूँ। हाँ जब कुछ नहीं था व्यवस्था, लाइट वाइट कुछ भी नहीं था। अब ऐतिहासिक कहानी बताएं, छठ पूजा का माता सीता ने सबसे पहले मुंगेर में गंगा जी के किनारे चार दिन व्रत रखा, बता। हमनी के तरफ तो पटना के गंगा जी के किनारे ये ज्यादा छठ माई के माता मानते हैं। हम भी तो वही के हैं, छपरा जिला के। तो छठ पर्व हम लोग बहुत सबसे त्योहार मानते हैं माता जी के, और इनके महिमा बहुत मतलब उपकार है, जो सबके ऊपर दया करती हैं, सबका मनोकामना पूरा हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग मतलब हमारे घर में सब लोग करते हैं, सब लोग करते हैं। हाँ हम लोग चार देवरानी जेठानी नाना सभी लोग करते हैं। अच्छा आप लोग सब लोग करते हैं, ये माता यहाँ है। ठीक है महाराज जी, जय छठी माई, जय छठी मैया, जय छठी मैया। ये तो हमारा लड़की है। अच्छा काम अहमदाबाद से आज बड़ी। हाँ दामाद, ठीक है दामाद है उनका लड़का। अहमदाबाद से छठ पूजा की इतना मतलब मानते हैं लोग, दौड़ के आ जाते हैं लोग। पूरे भारतवर्ष के अलावा विश्व में सब जगह पे आजकल मनाने लगे छठ पूजा। पूरा पूरा पहले तक कोई यहाँ ज्यादा लोग नहीं, दो तीन हम लोग देवरानी जेठानी आते थे, अब तो बहुत व्यवस्था के कारण सब लोग आने लगे। अच्छा टोकरी में जो आप लोग लाते हैं, टोकरी का क्या प्रावधान है? टोकरी में सब कुछ सजावट करके, इतना सब फल है, फल है तो कहाँ ले जाएंगे? उसके लिए तो होना चाहिए ना, बहुत प्रसाद रखता है। प्रसाद के महिमा बहुत उत्तम है। जी जी जी। हाँ सभी लोग प्रसाद चाहते हैं, सभी चाहते पाँच खा ले, खासकर ये खासकर ठेकुआ के ज्यादा महिमा है। और ये इधर गन्ने का क्या है, मैं इसमें गन्ने का क्या? हाँ सब फल चढ़ता है, गाना गन्ना भी फल गाना। कोसी भरते हैं तो शादी ब्याह कर मतलब शादी ब्याह करते हैं, अच्छा कोई काम होता है तो कोसी भरते हैं। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। हाँ छठ मैया की जय हो, जय छठ। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो दोस्तों ये देखिए, मैं ये दिखाऊँ यहाँ से टोकरी में पूरा। देखिए एक श्रद्धालु देखिए ये लेके आ रहे हैं, और मैं आपको पूरा थोड़ा सा वो दिखा रहा हूँ शुरू से गेट से। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे, कि देख सकते हैं ये देखिए, ये तो पूजा का सामग्री लेके आ रही है दोस्तों। ये देखिए पूरा कितना बढ़िया टोकरी सजा के गेट की लग रही है। देखिए मैं आपको देखिए, जय ये देखिए पूरा पूजा सामग्री लेके आ रही है। देखिए ये आप देख सकते पूरा, ये देखिए सजा पूरा टोकरी में जमा के। तो आप लोग दिखा रहे हैं यहाँ पे और क्या क्या है। छठ पूजा संस्कृत दुखा समिति आए हुए सभी भक्तों का सादर अभिनंदन वंदन करती है। सब लोग अर्घ देने के लिए पूजा का सामग्री लेके आए के बैठे हैं। देखिए दोस्तों ये सदस्य यहाँ पर दिखा रहे हैं आपके सामने, ये देखिए बैठने जा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं संस्कृत दुखा समिति के अध्यक्ष हैं हमारे आदरणीय बड़े भैया। सब लोग सब माता बहने आए हैं यहाँ पे। कुछ बताएंगे छठ पूजा के बारे में आप लोग तो बता दीजिए। छठ मैया के बारे में बताएं। छठ मैया हम लोग बहुत शौक से करते हैं, हमारे हम अपने बच्चे के लिए करते हैं, अपने पति के लिए करते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। हम आप कितने साल से आप लोग माता बहन कर रहे हैं? बच्चे हम लोग के हो जाते हैं, 20 साल हो गए अब करते हुए। 20 साल हो गए, और यहीं पे आते हैं आप लोग? हम यहीं पे करते हैं, हम यहीं करते हैं।
ये देखिए पूरे माता है, हाँ करते हैं शौक से करते हैं। और यहाँ व्यवस्था भी बहुत मान्यता है, जो भी मतलब छठ पर्व का हम लोग बहुत ही मतलब तीन दिन का आज जो है, आज सूर्य देव को आज अर्घ्य दिया जाएगा, सूर्योदय का वो अर्घ्य दिया, कल तो सूर्यास्त का अर्घ्य दिया जाएगा, अस्ताचल का उगते हुए सूरज को देंगे आप लोग, आज उगते हुए सूरज के देंगे, हाँ कल डूबते हुए सूरज के दिए, हमारे बहुत इसका मानता है, बहुत अच्छे से करते हैं, शौक से करते हैं और खूब खुशी खुशी से करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे गहना पहनते हैं, तीन दिन का उपवास रहता हमारा, तीन दिन का निर्जल उपवास रहता आप लोग, हम लोग निर्जला उपवास रहते हैं, हम लोग खाए नहाए करते हैं, लौकी के सब्जी और चने की दाल खा के उपवास रखते हैं, जी जी जी, फिर दूसरा दिन खरना करते हैं, गुड़ के चावल बनाते हैं, गुड़ के रोटी से खाते हैं उसको, फिर उसके बाद दूसरे दिन हम उपवास रखते हैं, उपवास, हाँ 24 घंटा हमारा निर्जला व्रत रहता है। अच्छा अच्छा, फिर शाम को हम आते हैं अर्घ देने के लिए डूबते हुए सूरज, डूबते मतलब अस्ताचल का सूरज को आप अर्घ देते हैं, फिर उगते हुए सूरज को हम सुबह देते हैं, जी जी जी, बहुत कठिन तपस्या का मतलब आप लोग करते हैं, बहुत है, पर अब हम लोग आदत में करने को तो कर लेते हैं, हाँ। अच्छा, एक इसके अलावा एक छठ होता है जो चैत में, वाला भी आप लोग करते हैं क्या? वो मानता के जिसका रहता है वो करता है, ये तो पूरे लोग करते हैं, पूरे लोग करते हैं, वो जिसको मान्यता रहता है ये चैत में कर, मनोकामना पूरा हो जाएगा हम ये करेंगे तो करते हैं, जी जी जी, चैत में करते हैं, तो पूरे लोग नहीं करते हैं, मतलब चैत में कठिन पड़ जाता है, गर्मी रहती है ज्यादा, जी जी जी, प्यास लगने लगता है, ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू जी, आप लोग छठ मैया की जय। दोस्तों आज मैं आया हूँ बरखड़ा के चर्च के सामने वाले जो ये पूजन हो रहा है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पे ये एक तालाब जो गंगा का रूप दिया गया है, ये दोस्तों ये देखिए यहाँ पे जो थोड़ी देर बाद माताएं इसमें नहाने के बाद सूरज को अर्घ देंगे, ठीक है, थोड़ा सा देंगे करो करो, अब ये देख सकते हैं छोटे छोटे, देखिए बालिका ये देखिए डूब रही है, ऐसे करके रखो, हाँ वो दिखा रहा हूँ आपको घूम घूम के, देखे देखिए देखिए माता सब कुछ ठंड है फिर भी ठंड को महसूस नहीं हुआ है, छठ मैया की जय हो, कुछ बताएंगे छठ पूजा के बारे में, बाइक लीजिए, हाँ बता दीजिए, छठ पूजा हमारे बिहार का सबसे बड़ा त्योहार होता है, हम बिहारी चाहे कहीं भी हो छठ पूजा में जरूर अपने घर आते हैं, ठीक है, और ये आस्था का पर्व है, इसको बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आपका शुभ नाम भैया? इंद्रजीत सिंह। अच्छा अच्छा, मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लेकिन अपने घर जरूर आता हूँ छठ पूजा मनाने के लिए, धन्यवाद। और इसका कोई इतिहास बता दीजिए, इतिहास इनका तो परंपरा है, जैसे ये छठ पूजा में चार दिन के प्रथम दिन नहाय खाय, ये एक्चुअली चार दिन का त्योहार होता है, नहाय खाय से शुरू होता है, अगले दिन खरना का किया जाता है शाम में, उसके बाद फिर शाम का अर्घ दिया जाता है सूर्य को, डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, और अगले दिन सुबह का डूबते हुए सूर्य को अर्घ देके छठ की समाप्ति। सर माता है बहन है, देखिए ये छठ पूजा के लिए पूरा जबरदस्त शुरू बन रहा है यहाँ का, देखिए कितने सारे माता बहन है, ये देखिए पूरा तैयारी कर रहे हैं ये लोग, ये हम भी इंतजार कर रहे हैं सूर्योदय का, उसका ये माता बहन सूरज को अर्घ करेंगे देंगे, कितने सारे लोग हैं देखिए,
तो ठंड महसूस ही नहीं हो रहा है। देखिए ये देखिए तो जबरदस्त व्यू बन रहा है। ये देखिए पूरे माता और बहनें बैठी हैं। ये देखिए ये पूरा दीप जलाकर ये देखिए दोस्तों ये आप देख सकते हैं। देखिए पूरा गन्ने का जबरदस्त ये देखिए तो देखिए दोस्तों जहाँ पे जिनकी जगह मिल रहा है वहाँ पे आसन लेके बैठे हैं। ये देखिए छठ पूजा के लिए पंडित जी जय हो। छठ पूजा के बारे में कुछ बताएं। हाँ ये लीजिए माइक लीजिए। हाँ आप भोजपुरी में बोलेंगे हिंदी में? नहीं हिंदी में। हाँ इधर आइए थोड़ा। हाँ भीड़ जगह। पूजा के उपलक्ष्य में हम लोग सभी आदमी बड़ी हर्षोल्लास के साथ छठ पूजा मना रहे हैं और ये सनातन धर्म की बहुत बड़ी पूजा है जिसमें बहुत देर देश विदेश दूर में भी हम लोग इसी भाव से इसी ढंग से मनाते हैं और छठी मैया से यही कृपा करते हैं कि सभी का कल्याण करते हुए इस देश का कल्याण करे, समाज का कल्याण करे, सभी मानव का कल्याण करे। जय छठी मैया की जय। जय। तो ये देखिए ये माताएं लेके बैठे। आप भी बताएं छठ पूजा के बारे में। छठ पूजा हम लोग के महापर्व छठ पूजा है और हम लोग अनेक साल इसी तरह बहुत खुशी से छठ पूजा मनाते हैं बहुत उत्साह के साथ और सारे यूपी में भी फेमस है छठ पूजा। और हम लोग ये दो तीन दिन की पर्व होता है और पूरे परिवार अपने पूरे समाज के लिए सब परिवार के बुद्धि सब बुद्धि के लिए सब बुद्धि के लिए हम लोग छठ पूजा बहुत उत्साह के पूर्वक मनाते हैं। और पूरे कार्तिक भर हम लोग लहसुन प्याज कुछ नहीं खाते हैं। इसमें आपको परंपरा कैसे का रिवाज है बता दीजिए बहन जी, क्या क्या रिवाज है पूरा बता दीजिए। हाँ छठ पूजा में हम लोग क्या करते हैं जो नहा खाते हैं दीपावली हो जाती है ना दीपावली के बाद से लक्ष्मी प्रसाद को महेंद्र मेरे खाते रहते हैं उसके बाद से बात हो जाता है। उसके बाद लेकिन नहाना होगा उस दिन लौकी की सब्जी चने की दाल और शुद्ध खाना बनाया जाता है। फिर उसके बाद खरना होता है गुड़ वाली खीर बनती है और चावल की रोटी बना के खाते हैं उसे और बस यही बिना नमक के। फिर उसके बाद हम लोग कल होते हैं सब एक दिन में ही सारी सामग्री बनाते हैं ठेकुआ कसार जो भी बनता है बना के उनकी पूजा की जाती है। शाम के अर्घ देते हैं फिर आज सुबह में अर्घ देंगे और बहुत उत्साह पूर्वक हम लोग छठ पूजा मनाते हैं। कल तो आपने स्पेशल सूरज को अर्घ दिए थे आज सूर्योदय का आप अर्घ दे रही है ना शाम में जैसे ढलते हुए सूर्य देव को हम लोग अर्घ देते हैं और सुबह में उठते हुए सूर्य देव को अर्घ देते हैं आज देंगे। हाँ। जी आज और बहुत साफ सुबह हम लोग छठ पूजा मनाते हैं बहुत खुशी से और इतनी एनर्जी आती है ना बिल्कुल कुछ महसूस अच्छा बिल्कुल थकान नहीं होती आप लोग प्यास तक नहीं लगती है। जी 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 हम इतनी माने वो हिम्मत बढ़ती है बोलिए तो कंटिन्यू इनके नाम पर बोले तो हम लोग 10-15 दिन रह जाएंगे अच्छे से ऐसा लगता है। तो आप चैत में तो छठ पूजा होता है उसमें भी आप लोग करते हैं क्या चैत करते हैं ना गाँव में करते हैं और यहाँ भी बहुत लोग मनाते हैं तो वो होता है जो हर कोई नहीं मनाते हैं कोई कोई मनाते हैं अच्छा। लेकिन ये पर्व ये वाले कार्तिक वाले ना हर घर घर मनाते हैं घर घर में मनाते हैं तो कोई वो तो कठिन होता है गर्मी जमा पड़ती है इसलिए साथ में वो वाला चैत वाला थोड़ा कठिन हो जाता है कठिन हो जाता है फिर भी मनाते हैं फिर भी उसमें भी पता नहीं चलता है। जी जी उसमें भी सब करते हैं हम लोग भी उसमें भी सब हमारे मायके में भी बनता है सब जगह बनता है। अच्छा अच्छा कठिन तो है लेकिन बहुत हिम्मत छठी मैया की इतनी अभाव कृपा है ना जो कुछ फर्क नहीं पड़ता बहुत अच्छा सा आराम से हम लोग मना लेते हैं। छठी मैया की बहुत ताकत है बहुत शक्ति इतनी कृपा है इतनी असीम कृपा जो आप जो भी उसको सच्चे दिल से प्रार्थना करके मांगे वो सब पूरा होता है। जो भी आप मांग लीजिए छठी मैया आपको पूरा करेंगे जो भी मांगे ये होता है। इतने सारे मन्नत हम लोग पूजा यहाँ करते हैं ना कितना चढ़ावे सामान चढ़ा जाता है क्योंकि सब मन्नत मांगे रहते हैं सब की पूरा होती है मन्नत। थैंक यू धन्यवाद छठी मैया की जय जय जय।
यहाँ छठ पूजा सबसे महत्व वाली पूजा होती है। इस पूजा में हम लोग 3 दिन उपवास करने का संकट पूरा चाहिए। छठ पूजा ना बहुत बहुत से रखते हैं। यह पूजा नहा खाए से शुरू होकर के दूसरे अर्घ तक किया जाता है। पूजा 3 दिन का होता है, 3 दिन का होता है। ये पूजा हम लोग बहुत बहुत से लिए करते हैं। ये हमारी हिंदू धर्म में सबसे संस्कृति छठ पूजा सबसे बड़ी मानी जाती है। छठी मैया की जय हो। हाँ, जय छठी मैया की। छठी मैया की जय हो। देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये देखिए सूरज को, मतलब ये देखिए अर्घ दिया जा रहा है। ये आप देखिए पानी में, ये देखिए नमस्ते। आज छठ पूजा है, कुछ बताया छठ पूजा के बारे में? आज चौथा दिन है छठ पूजा है। बहुत कठिन व्रत है, लेकिन फिर भी बहुत आराम से निकल गया। 3 दिन से हम लोग उपवास हैं। बहुत अच्छा लगता है उपवास करना। यूपी, बिहार, झारखंड सभी में सब लोग बहुत प्यार से करते हैं। लक्ष्मण सिंह जी, कामेश्वर सिंह जी, अच्छा। आज तो आज आप लोग कल तो अस्ताचल सूरज को अर्घ दिए थे आप लोगों ने? जी हाँ। आज सूरज उधर उधर सूरज को अर्घ देंगे, अर्घ देकर ही घर जाएंगे तो फिर पानी में पिएंगे। हाँ। और कैसा लगा आप लोगों का ये 4 दिन का ये भगवत तो नहीं है? इसके लिए 1 साल से इंतजार करते हैं छठ पूजा की। अच्छा, यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था होती है। ठीक। थोड़ा सा उसका पुराने कुछ ऐतिहासिक इतिहास मालूम है, कैसे क्यों छठ पूजा होता है, वो कब से ये मनाया जा रहे हैं? पूजा वैसे बिहार से चालू हुई थी। हाँ, लड़कों के लिए किया था। हाँ, अब सभी लोग सबको सब कुछ मिलता है, इसलिए सब करते हैं, पति के लिए, लंबी आयु के लिए। वैसे सबसे पहले बिहार से ही चालू हुई थी। पुरानी कथा है कि माता सीता ने सबसे पहले मुंगेर में की थी ये गंगा जी के किनारे। जी हाँ। उसके बाद कुंती ने की थी दाफा रीग में। ऐसे कुछ परंपराएं हैं, सब चली आ रही है। ठीक है बहन जी, बहुत अच्छा लगा। आप लोग ये कठिन तपस्या की है 4 दिन, छठी मैया की जाए हो। हाँ, देखिए संभाल के। हाँ, सीढ़ी है। हाँ, ऊपर आ जाते। हाँ बोलिए। तू ये देखिए दोस्तों, एक दूसरे को देखिए, तिलक लगाते हैं, मांग भरते हुए दोनों को देखिए एक दूसरे के। ये आप देख सकते हैं। हाँ, आप जरूर जानते हैं कि छठ ऐसा पर्व है जहाँ पर सबसे पहले डूबते हुए सूरज की पूजा होती है। आज पहले डूबते हुए, कल तो पहले सबसे पहले डूबते हुए सूरज की पूजा होती है, फिर उगते हुए सूरज की पूजा के बाद छठ पूजा के समापन होता है। समापन आज उगते हुए सूरज को देव, आज उगते हुए सुबह की पूजा में उगते हुए सूरज की पूजा होगी। ये हमारी माँ जी है, छठ करती है। हाँ, तो माता जी को दो बार मम्मी मम्मी जय छठी मैया। पापा जी छठी मैया की जय हो। जय हो। पहले नहाय खाए से छठ पूजा, नहाय खाए से छठ पूजा की शुरुआत होती है। आप पूरा बताए ना, आपको तो पता है ना, क्या पूरा बता दीजिए। नहाय खाए होता है हम लोग का यहाँ सबसे बहुत महत्व। खरना होता है, फिर कल अर्घ हुआ, एक अर्घ, आज निस्तार है। बहुत महत्व है, भगवान सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो इच्छा रखते हैं सूर्य भगवान पूरा करते हैं। बाल बच्चे सभी को कल्याण करते हैं, सभी बच्चे को, किसी को कष्ट हो। मतलब ये 4 दिन आप लोग उपवास रखते हैं, बिल्कुल पानी भी नहीं पीते हैं, थकान तो नहीं होती आप लोगों को? कुछ नहीं, मैया के कृपा बिल्कुल थकान नहीं होती। कुछ नहीं थकान होती है, बिल्कुल मन स्वस्थ रहता है, बिल्कुल स्वस्थ रहता है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत छठ मैया सबका कल्याण करती है, किसी को कोई परेशानी नहीं। जय छठ मैया। जय छठ मैया। सब भर देती, हाँ सब भर देती, हाँ सब मनोकामना पूर्ण होते। ये देखिए, हाँ हाँ सब कुछ। कभी आप लोगों को थकान बिल्कुल नहीं होती इसमें?
छठी मैया के जय हो। ये देखिए तो पूरा जो परफेक्ट होती है, उसके बाद जो है छोटी छठ के बाद बड़ी छठ होती है। हाँ और ये सूर्य भगवान उगते हुए सूर्य भगवान है, उगते हुए सूर्य भगवान की पूजा होती है, पूजा के बाद बच्चों की कामना की जाती है। सूर्य भगवान पहले दिन नहाए खाए होते हैं जो घर में मनाए जाते हैं। पहले घर में छोटी छठ होती है, चूल्हे पे बनाया जाता है प्रसाद, उसके बाद बड़ी छठ का उपवास होता है। और दूसरे दिन का परंपरा बताएं। दूसरे दिन का परंपरा ये है कि दूसरे दिन का पूरा फल फ्रूट वगैरह खरीदा जाता है, हर चीज घर में शुद्ध होती है, चावल से लेकर बिस्तर से लेकर कपड़े से लेकर हर चीज शुद्ध होती है। धोने के बाद अच्छे मन से बहुत करके नीचे सोया जाता है और सोने के बाद राम से उनका नाम लिया जाता है। सूरज शाम को छठ माह के साथ आते हैं और डूबते हुए सूरज को अर्घा दिया जाता है। रात में घर जाने के बाद रात भर बच्चे दीपक जलाते सुबह घर में आते फिर डूबते हुए सूरज को अर्घ देते और छठ मनाया जाता है। छठ मैया की पूजा की जाती है। अच्छा इसमें जो निर्जल मतलब बिल्कुल पानी पानी तक भी नहीं पीते माता बहने धूप तक नहीं निकलते निकलते हैं, लेकिन बिल्कुल थकान रहती है आप लोगों की? कोई थकान नहीं होती, इनका आशीर्वाद बहुत असली कृपा रहती है उसमें आशीर्वाद। जी 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 तो कल अस्ताचल सूरज को अर्घ दिया है आप लोग, आज उदय सूरज को अर्घ देंगे हैं, यही परंपरा है, उसके बाद छठ में समापन हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, छठ मैया की जय हो, सबके सबके सबकी मनोकामना पूर्ण करें। ठीक है ये देखिए माता है, ये देखिए बड़े एक बार आता था माता, ये देखिए पानी खड़ी है, ये देखिए कुछ गाना गा रही है। लगा दीजिए पैर में लगा दीजिए। माता दी है आप देख सकते हो पानी में खड़े हैं, बिल्कुल आगे आगे पानी में खड़े होते हैं। देखिए आप देख सकते हैं ये पानी में खड़े हैं छठी मैया दिया नीला बहन जी लोग देखिए ये छठ मैया के गाने भी गा रही है। छठी मैया दिया नीला नाता दी है चीती ना। देखो वायर कितने कठिन समय तपस्या करते हैं ये बहने। नाता दी चीती ना कल का खांसी है नाता
देखिए बहन जी लोग देखिए कितना बढ़िया छठ में गाने गा रहे थे। अभी देखिए दोस्तों मैं अभी और दिखा रहा हूँ, और भी माताएं बहने देखिए ये आप देख सकते हैं। बेटा हटो जरा पेपर निकल जाओ लगी तुम्हें एक मिनट मेरे को ना थोड़ा इनको कवरेज करने दीजिए। ये देखिए ये देखिए ये माता यहाँ पे देखिए कितना आगे आगे पानी है। ये देखिए पूरा खड़ी है ये आप देख सकते हैं। ये सामने हाँ हेलो भाई सामने हाँ कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत। ये देखिए कितना आधे आधे पानी में माताएं खड़ी है देखिए और सूरज भगवान को अर्घ देने के लिए। ये देखिए दोस्तों ये देखिए क्या आप देख सकते हैं। ये देखिए कितने बजे सूर्य है कितने बजे होंगे 6:30 बजे लगभग। हाँ ये सूर्य होता है इन लोग देखिए 6 बजे हाँ ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ ये आप लोग दिखा रहे हैं देखिए दोस्तों बताएंगे माता जी कुछ बता दीजिए इस छठ पूजा के बारे में कुछ बताएं आप अगर कुछ बताना चाहें तो आप बताएं छठ पूजा को ये माता कुछ बताना चाहें तो माइक दे दीजिए माता जी को वहाँ लगा दीजिए कॉलर में पानी में नहीं गिरना चाहिए छठ मैया हमारी मनोकामना पूरी हो हमारे बच्चियों की शादी हो गई अच्छे से नौकरी कमया की कृपा से भगवान है छठ मैया की कृपा से हर काम मनोकामना सबकी पूरी होती है। अरे छठ मैया के बारे में बोल दो सबकी मनोकामना पूरी होती है हमारी पूरा हो जाए हम लोग पूरा हो जाती है। जय छठ मैया की बताओ हाँ ये बताए हाँ बताओ सर मुझे मैं अपनी दोस्त की सर मैं प्रिया मौर्य मैं अपनी दोस्त की यहाँ आई हूँ। उसकी मम्मी छठ पूजा रखी है और छठ पूजा में मतलब सूर्य को अर्घ देते हैं और उससे पहले पहले पानी में खड़े रहना पड़ता है और अपनी मन की जो मनोकामना रहती है वो बोलना होता है और चार दिन के लिए माता जाने कठिन तपस्या करती है आप लोग हेल्प करते होंगे। हाँ मैं तो फर्स्ट टाइम देख रही हूँ मैं और फर्स्ट टाइम मैंने ये अटेंड किया है और उससे पहले कभी अटेंड नहीं किया है। क्या मतलब जबरदस्त हुआ हाँ बताओ बताओ आप लोग कैसे अनुभव कर रहे हैं कैसे फील कर रहे हैं आप लोग। सब बहुत अच्छा अब तो मैं हर साल आया करूँगी मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ सुबह के मॉर्निंग में और अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी दादी करती है मैं बिहार से हूँ वहाँ भी छठ पूजा होती है लेकिन यहाँ दूर पड़ता है तो मतलब जाना नहीं हो पाता तो मैं अपने फ्रेंड के यहाँ आई हूँ बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे मतलब सब पर्वों में सबसे बड़ा पर्व महापर्व बिहार झारखंड और यूपी में सबसे ज्यादा मनाया जाता है और तो सभी मनाने लगे हैं आजकल लेकिन ये तो अलग ही है सबसे अलग है। अच्छा जी मैं सबकी विश पूरी करती है आप सच्चे मन से अगर व्रती नहीं भी होते और जिसके साथ में है जैसे कोई व्रत कर रहा है और अगर हम उसके साथ में अपनी मनोकामना मांगते हैं तो छठी मैया पूरी करती है और बस छठी मैया की जय हो।
सर बिहारी लोग बहुत इंजॉय करते हैं, यूपी बिहार झारखंड में ये त्योहार मनाया जाता है और तीन दिन से कठोर तपस्या करते हैं, तीन चार दिन से, और जैसे चौकी रखते हैं और फिर उसमें पूरा जो सामान होता है गन्ना और फल फूल ये सब, और फिर न्यू ट्रीजर्स के लिए ये तो मतलब एक बहुत अच्छा खास अनुभव होगा आप लोगों का ये। हाँ सर, मेरा तो पहला एक्सपीरियंस है और मुझे बहुत अच्छा लगा, हम भी सुबह पहले से ही बहुत जल्दी आ गए कि हमें पता चले कि क्या क्या होता है और बिहार का कल्चर। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा मिशन शिखर चैनल है, मिशन शिखर चैनल है, सब्सक्राइब कर लो पर आ जाएगा जरूर। हाँ माता जी बताए, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं भी दो साल से यहाँ देखने आ रही हूँ। बिहारी जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, तीन चार दिन की आस्था रहती है इसमें, भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करे। तो जो पौराणिक कथा बताए ना, क्या क्या है, कब से छठ पूजा शुरू हुआ है, माता सीता ने मुंगेर में सबसे पहले गंगा जी के किनारे किए थे, तो बताए ना। उसके बाद माता कुंती ने शुरू की थी, उसको किए थे व्यापार युग में, माता सीता ने इनको शुरू की थी, फिर कुंती ने, माता कुंती ने करी थी, सभी सभी लोगों को बहुत मतलब भगवान उनको अच्छी रक्षा करे। अब मैं तो दो साल से मतलब यहाँ पे नहीं दू, ठीक है माता जी। मिशन शिखर बेटा, हैप्पी छठ ऑल ऑफ यू। मेरा का भारती प्रसाद है, आप क्या कठिन कर रहे हैं? बहुत अच्छा क्रिकेट है क्योंकि मेरी मम्मी ने छठ रखा है। तो आप मम्मी और ये आपको जो भाभी वगैरह को हेल्प करते हैं इसमें, ये चार दिन हाँ पूरे हेल्प करती है। तो मम्मी का मैं तो हर साल आया करूंगी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सभी एनवायरनमेंट देख के, और छठ पूजा में कैसे कैसी रस्म होती है ये मुझे पता चल रहा है, और मैं तो ये बोलूंगी कि सबको आना चाहिए, कि सबको पता होना चाहिए कि हर त्योहार कौन सा कैसा होता है। आजकल का जो यूथ है वो इन सब चीजों को नहीं मानता है, लेकिन यहाँ आके सबको मतलब ये देखना चाहिए कि क्या होता है महापर्व, क्या होता है एक्चुअल में पूजा, और सबको फॉलो करना चाहिए, और यहाँ आकर ही पता चलता है कि हाँ एक्चुअल में क्या है पूजा और कैसे की जाती है, और सबको करना भी चाहिए। जय जटी मैया की। थैंक यू बेटा। ये हम लोग का बहुत बड़ा त्योहार है, हम लोगों का मतलब हम लोग भोजपुरी समाज से हैं, हम लोग के यहाँ सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, ये चार दिन का व्रत होता है और हम लोगों के बिहार में सबसे मुख्य त्योहार रही है, सबसे बड़ी त्योहार है जी। ये कब से मनाया जाता है, क्या कोई इतिहास मालूम है? हम लोग तो जब से मतलब जन्म लिए है तब से हम लोग अपने घर में सबसे बड़ा त्योहार यही देखते हैं। चार दिन के जो पूजा होता है, पहला दिन होता है नहाए खाए, दूसरे दिन खाए बिल्कुल रूप चला को उपवास रखते हैं, पानी तक भी दूध तक भी नहीं पोते, आप लोग कष्ट नहीं होता बिल्कुल? नहीं नहीं, हम लोग को बिल्कुल, हम लोगों के अंदर हर्षोल्लास रहता है कि हम लोग मतलब दिवाली होली सबसे ज्यादा हम लोगों को इसी पर्व का इसी त्योहार का इंतजार होता है, कि मतलब छठ व्रत हम लोगों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और बहुत सुख भी होता है, और चार दिन पता नहीं चलता है कि कैसे निकल गया। तो आप लोगों ने सूरज को अर्घ दिए थे, आज सूरज को अर्घ जी हम लोग शाम को उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं, और सुबह आज के दिन हम लोग मतलब उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगे, और उसके बाद उनके पूजा का पूरा मतलब समापन होगा। धन्यवाद दीदी, छठ में लेके जाए हो सबको। मिशन शिखर। तो दोस्तों ये देखिए, आपको मतलब ये देखिए, ये माता बहने के जगह का जबरदस्त व्यू मतलब इंटरव्यू है, लेकिन ये देखिए माता खड़ी है, आप तो दिक्कत नहीं है, माता जैसे पानी में माता पानी में खड़ी है, लेकिन कह रहे कोई भी अर्घ दे सकते, कोई पुरुष महिला कोई भी अर्घ दे सकते।
ये पुरुष महिला कोई भी अर्घ देख सकते हैं इसमें? महिला कोई भी अर्घ दे सकते? अच्छा अच्छा, कोई भी अर्घ दे सकते? ऐसा छठी मैया नहीं बोलती, महिला भी व्रत कर सकती है, व्रत भी कर सकती है, कोई भी व्रत कर सकता है, अपनी मनोकामना पूरी कर देती है छठी मैया। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, तो आपने भी रखा है? नहीं, हमने नहीं रखा, हमारे पति भैया ने खाए से लेके और सुबह के अरब तक उन्होंने व्रत रखा। अच्छा अच्छा, चार दिन का व्रत होता है, 17 से 20 तक पूरा चार दिन का व्रत रखा। और बहुत ही बिहार संस्कृति को बचा के बिहार की जो संस्कृति है उसको मूलभूत किया जा रहा है और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। और बाकी में बिहार का जो दर्शन है, जो बिहारी संस्कृति, भोजपुर संस्कृति, उसके लिए धन्यवाद है, धन्यवाद। छठी मैया की, छठी मैया ये सूरज को अर्घ देने के लिए देखिए दोस्तों, ये आप दिखा रहे हैं, देखिए लग सूरज घुमा नहीं है, देखिए उससे पहले ही तैयारी कर रही है। देखिए दोस्तों, माता पूरे देख रही है, खड़ी है सूरज को आग देने के लिए, सूर्य भगवान को आप देख सकते हैं। देखिए लगा
ये आप देख सकते हैं, देखिए तो सूरज को पार्क देने के लिए माता रानी के पानी में हाँ अपना बन रहा है मिशन शिखर, मिशन शिखर, मिशन शिखर। हाँ आप चाहे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आ जाएगा उसके लिए। आप देख सकते हैं ये देखिए माता को एक बार फोटो लगाते हुए देखिए, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए जी जी मिशन शिखर चैनल है, मेरा यूट्यूब चैनल है। ये आप देख सकते हैं ये ये देखिए ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए पूरा फूल के पंखुड़ियों से ये जो ये देखिए माताएं देखिए नहा भी रही है इसी में, देखिए आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है कि हम किसी गंगा जी के किनारे आए हैं, गंगा जी के किसी किनारे आए हैं दोस्तों। ये देखिए गंगा जी लग रहा है बिल्कुल, ये छठी मैया की असीम कृपा है। ये देखिए ये छठ पूजा जो सांस्कृतिक उत्सव मंच समिति है उनके द्वारा एक तरफ सांस्कृतिक प्रभाव छठ मैया के गाने चल रही है, देखिए भोजपुरी में देखिए सूर्योदय के साथ साथ उदय होने वाला है जिनके बारे में। हाँ हाँ हाँ
आप लोगों ने अर्घ दे दिया है और देने वाले हैं हमारे उत्तर प्रदेश का बिहार का ये महापर्व है छठ पूजा। सूरज और डूबते सूरज की पूजा की जाती है। अपने संतान पति के लिए ये महान पर्व है। ये महान पर्व है, ये आप आज के डेट में पूरा संसार में लोग इसको हम लोग जहाँ है वहीं इस व्रत को पूजा करते हैं बड़े मान सम्मान से अपने पति अपने बच्चों के लिए। औरतें निर्जला व्रत रखती हैं, सूर्य की पूजा करती हैं, छठ माँ की पूजा करती हैं। ये तीन दिन की पूजा होती है। जय छठ माँ। कुछ बहने बता रही हैं छठ पूजा के बारे में बताए हैं। छठ हम लोगों का सबसे बड़ा त्योहार है जो ऐसे बोला जाता है आजकल जैसे रील्स में और इंस्टाग्राम पे और सब सोशल मीडिया पे दिखता है कि छठ त्योहार नहीं इमोशन है, तो एक्चुअली ये सही बात है। और हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं तो इसके साथ बहुत सारी मेमोरीज भी हैं, बहुत सारी यादें भी हैं। बहुत मतलब घर में सभी बड़े लोग करते आ रहे थे तो बचपन से देखते आ रहे हैं, तो ये सच में ही एक इमोशन है। और इसको महापर्व कहा जाता है क्योंकि सच बात है हिंदुत्व का सबसे बड़ा त्योहार है जिसमें तीन दिन का निर्जला व्रत हर माँ रखती है या जो भी रखता है वो अपने घर परिवार के अच्छे के लिए रखता है। और क्या क्या परंपरा है, चार दिन जो परंपराएं होती है, पहले वाला दिन नहाए खाए उसके बाद ये चार दिन का महापर्व होता है जो पहले दिन नहाए खाए से शुरू होता है। और उस दिन हम लोगों के यहाँ चने का दाल लौकी की सब्जी और चावल बनता है। और दूसरे दिन इसमें खरना होता है जिसमें गुड़ की खीर बनती है चूल्हे पे घर में साफ सफाई के साथ में। तीसरे दिन पहला अर्घ होता है जो शाम को अर्घ देते हैं हम लोग डूबते सूरज को, डूबते सूरज को, डूबते सूरज को, स्वस्थ होते हुए सूरज को। और इसीलिए ये भी बोला जाता है कि ये एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसमें कि डूबते हुए भी सूरज की पूजा होती है और उगते हुए भी सूरज की पूजा होती है। और चौथे दिन जिस दिन समापन होता है उस दिन उसमें उगते हुए सूरज की पूजा होती है, जिसका एकमात्र ये भी कहा जा सकता है कि जिसका अस्त है उसका उदय जरूर होता है कभी। और जिससे सबका मनोकामना पूर्ण भी होते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, पौराणिक कथा क्या आप जानते हैं इसके बारे में, छठी पूजा के बारे में? बहुत ज्यादा तो नहीं पता है, इतना पता है कि इसको पहली बार शायद सीता जी ने किया था। सीता जी ने मुंगेर में गंगा जी के किनारे। जी 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 बिल्कुल जी। जब राम जी अयोध्या वापस आए थे और जब उनको अयोध्या का राजपाट मिलने वाला था तो उन्होंने तब किया था। उन्होंने अपने बेटों के लिए किया था। तो आप लोग अच्छे से मना रहे हैं? जी बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे। छोटी मैया की जय हो आप लोग। हाँ छोटी मैया की देखिए। देखिए दोस्तों ये बहन जी ने प्रसाद दिया है। देखिए ये देखिए छठे मैया की जय हो ले रही है भैया लोग, आप देख सकते हैं। ये देखिए सब लोग प्रसाद दे रहे हैं। परंपरा है दोस्तों ये हमारे, ये देखिए जय हो। ये देखिए अच्छा हम लोग प्रसाद मांगते हैं और प्रसाद को पूरे नेपाल में जगह जगह जितने लोग आते हैं ना एमपी के लोग अब सब प्रसाद से वितरण करते हैं। अच्छा, और प्रसाद में ताकत है कि आज दिन ब दिन अपने बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा जगमाई की कृपा। बहुत अच्छा। बोलो बोलो छठी मैया की जय हो। बोलो छठी मैया की जय हो। ये देखिए ये छठ पूजा का ये समापन के अवसर का आप लोगों को इस समापन का पूरा कवरेज अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। ये अधिकतर माता बहनों का ये अर्घ देना हो गया है, वह सूर्योदय भी हो गए हैं। आप लोग चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
सब्सक्राइब लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। फिर मिलते हैं अपने कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।